अभी जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक आपको एक एक चीज बता दें, बंदूकधारी से बातचीत के बाद करीब 5 बंधक बाहर निकले, उसके बाद 2 और बंधक बाहर निकाले गए हैं। लेकिन यहां पर जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक आपको एक और चीज हम बताना चाहेंगे यहां पर, वो ये है, ये देखिए जो 5 बंधक बाहर निकले हैं इनमें से कैफे के अंदर काम करने वाले कुछ लोग हैं, और इनका ये कहना है कि बकायदा वो बंदूकधारी जो है उसने ये कहा है कि उसने करीब 4 बम लगा रखे हैं आसपास। हिमांशु मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। हिमांशु, भारतीय जो बंधक बनाया गया है इसके बारे में और क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है? देखिए मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय मूल के आईटी प्रोफेशनल है जिसको बंधक वहां पे बनाया गया है उसको लेकर भारत सरकार की तरफ से ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट से बातचीत की जा रही है। वहां पर जो भारतीय दूतावास है उन सभी अधिकारियों को कहा गया है कि वो इस पर पूरी तरीके से निगरानी रखें और भारत सरकार को एक एक पल की जानकारी देते रहें। और जो आईटी प्रोफेशनल है निशांत, वो आंध्रा के हैं और उनके बारे में ये कहा गया है कि उनके परिवार से भी बातचीत जारी है। कहीं ना कहीं भारत सरकार पूरी तरीके से इस पूरे मामले को लेकर सजग है और उनका ये कहना है कि वो हर पल की जानकारी उनके पास है और वो ऑस्ट्रेलिया सरकार से बातचीत कर रहे हैं कि जो भारतीय मूल का नागरिक है उसको भी जल्दी से जल्द जो बंधक है उनसे छुड़ाया जाए। निशांत, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा यहाँ पर, जिस वक्त ये घटना घटी है उस वक्त की अगर बात की जाए तो थोड़ी देर के बाद ये जानकारी आई है कि एक भारतीय बंधक है वहां पर, क्या कुछ और इन्फॉर्मेशन है कि वो अकेला गया था वहां पर या उसके साथ कुछ और लोग भी हैं? क्योंकि ऐसा लगता है कि धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन आ रही है, ज़्यादा जानकारी भी वहां से नहीं निकल पा रही है। देखिए बिल्कुल सही है कि बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं निकल रही है क्योंकि भारत सरकार की तरफ से जो जानकारी दी गई है वो यही है कि एक भारतीय मूल के जो आईटी प्रोफेशनल है वो वहाँ पर बंधक बनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार के पास भी एक लिमिटेड जानकारी है, लेकिन भारत सरकार का यही कहना है कि वो पल पल की जानकारी चाहती है, इसीलिए उन्होंने भारतीय दूतावास को पूरी तरीके से सजग कर दिया है, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के साथ बातचीत कर रही है, पूरे मामले को देख रही है। उसके लिए उनका एक और कहना है क्योंकि क्रिकेट टीम भी वहाँ जाने पर है, तो कहीं ना कहीं पूरी भारत सरकार अपनी नज़र बनाए हुए है, लेकिन उनके पास जो जानकारी आ रही है वो बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहती है शायद निशांत मीडिया के साथ। क्रिकेट टीम का आप जिक्र कर रहे हैं, अपने दर्शकों को बता दें कि जो क्रिकेट मैच की अगर हम बात करें तो सिडनी में क्रिकेट मैच जो है वो होगा, अभी नहीं वो बाद में है क्रिकेट मैच, वो चौथा टेस्ट मैच जो है वो सिडनी में होगा करीब 6 जनवरी से। लेकिन अभी भारतीय क्रिकेट टीम की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है, नज़दीक में जो काउंसलेट है उसको इवैक्यूएट करा दिया गया है। हिमांशु, इसके बारे में कोई और जानकारी, जो काउंसलेट है उसको भी इवैक्यूएट करा दिया गया है? लेकिन मैं आपके पास आ रहा हूँ हिमांशु, आपको रोकना चाहूंगा यहां पर। अभी ऑस्ट्रेलिया में यह खबर आपके सामने, तस्वीर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में एक कैफे में बंधक बनाकर रखे गए कुछ लोग बाहर निकले हैं। ये जो कैफे है ये लिंट कैफे है, बड़ा मशहूर कैफे है वहां पर, और ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं सिडनी में कई इंपॉर्टेंट यहां पर लोकेशन है आपको दिखाना चाह रहे हैं। यहां पर भारतीय काउंसलेट है, उसके पास में चैनल 7 का ऑफिस है, सिडनी ओपरा हाउस है, सिडनी हॉस्पिटल है, न्यू साउथ वेल्स की संसद है, अमेरिकी काउंसलेट है, कॉमनवेल्थ बैंक है, पाकिस्तान काउंसलेट है, ANZ सेंटर है, इन सभी जगहों को इवैक्यूएट करा दिया गया है। ये आपको बताना चाहेंगे क्योंकि ये जो कैफे है जहां पर बंधक बनाए गए हैं लोग, ये एकदम बड़े पॉश इलाके में है, वहां पे एक अच्छी जगह पे है और इसके नजदीक में ही काफी सारे जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपको यहां पर बता रहे थे वो हैं। हिमांशु हमारे साथ हैं। हिमांशु, काउंसलेट को खाली करा दिया गया है, इवैक्यूएट करा दिया गया है, भारतीय क्रिकेट टीम को सुरक्षा और मुहैया कराई गई है, दोनों देश के बीच में और क्या इंट्रैक्शन चल रहा है अभी? देखिए बिल्कुल विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ साफ ऑस्ट्रेलिया सरकार को कहा गया कि भारतीय क्रिकेट टीम को जो है और ज़्यादा सुरक्षा जो है उनकी बढ़ाई जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं किसी तरीके की कोई दुर्घटना हो। लेकिन वह भारतीय क्रिकेट टीम भले ही दूसरे शहर में है, उनकी सुरक्षा को भी लेकर विदेश मंत्रालय ने अपनी चिंता ऑस्ट्रेलिया सरकार के सामने जताई है और साथ ही साथ उनका पूरा ध्यान इस पर है कि जो भारतीय मूल के IT प्रोफेशनल उनको जल्दी से जल्दी जो है बंधक से रिहा कराया जाए, उसको लेकर वो पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया सरकार से बातचीत कर रही है। निशान, एक जो जानकारी हमारे पास आ रही है, करीब घटना के 4 घंटे के बाद न्यू साउथ वेल्स के पुलिस कमिश्नर एंड्रयूज CPO ने कहा है कि पुलिस का बंदूकधारी से सीधा संपर्क नहीं हुआ है। ये कहा है संपर्क हो गया लेकिन सीधा संपर्क नहीं हुआ है।
कैफे के सीईओ का कहना है कि कैफे के अंदर करीब 30 ग्राहक और कैफे के 10 कर्मचारी अभी भी मौजूद हैं। ये और जानकारियां निकल कर आ रही हैं। हिमांशु हमारे साथ हैं, भारत की तरफ से यहां पर तीन इंफॉर्मेशन जरूरी है। पहला तो भारतीय मूल का एक नागरिक जो है वो अंदर मौजूद है, आंध्रा का रहने वाला है जो कि कैफे के अंदर है, एक सिडनी में एक भारतीय नागरिक भी बंधक। दूसरी चीज जो है वो ये है कि काउंसलेट को खाली करा लिया गया है, लगातार दोनों देशों के बीच में संपर्क चल रहा है। तीसरी चीज ये है कि भारतीय क्रिकेट टीम की जो सुरक्षा है उसको बढ़ा दिया गया है। ये तीन महत्वपूर्ण जानकारियां भारत के लिहाज से। लेकिन अब इस पूरे मामले की जो बात की जाए तो प्रधानमंत्री टोनी एबट ने लोगों से अपील की है कि वो घबराए नहीं और सामान्य तरीके से अपना काम करते रहे। उन्होंने कहा कि सरकार की स्थिति पर नजर रखे हुए है, लेकिन यहां पर दो तीन चीजें आपके सामने, ये जो तस्वीरें हैं जरा ध्यान से देखें आप। टीवी फुटेज में दिखाया गया है कि कैफे के अंदर बंदूकधारी काला झंडा जैसा कुछ लिए हुए है जिस पर सफेद रंग में अरबी में लिखा हुआ है कुछ भाषाएं। समाचार एजेंसी जो है एक एपी उसके मुताबिक ऑकलैंड यूनिवर्सिटी के इस्लामिक स्टडीज रिसर्च यूनिट के जो लोग हैं उनका मानना है कि ये मजहब के प्रति गवाही है या कुछ इस तरीके से कहा जा रहा है। कैफे के बाहर भारी संख्या में सशस्त्र अधिकारियों ने मोर्चा संभाल रखा है। पुलिस की एक महिला प्रवक्ता का यह भी कहना है कि अभी तक घटनास्थल से किसी के घायल होने की खबर नहीं है, यह एक अच्छी जानकारी है। घटनास्थल की तरफ जाने वाली सड़कों को बंद करा दिया गया है, दफ्तर खाली करा दिए गए और लोगों से इस जगह से दूर रहने के लिए कहा गया है। जो हमने आपको अभी मैप में दिखाया, एक बार फिर से वो मैप दिखाना चाहेंगे, मैं यहां पर वो आपको एक बार फिर से मैप दिखाना चाहूंगा, जरा ध्यान से देखें आप घटना के आसपास की जो सड़कें कहां पर लेके जाती हैं, फिर से वो ग्लोब के जरिए हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखें ध्यान से, घटना के आसपास की सड़कें कहां लेके जाती है, जरा देखें आप। सिडनी के ओपरा हाउस, भारतीय काउंसलेट, चैनल 7 का ऑफिस है जिसका फुटेज आप देख रहे हैं बीच बीच में, न्यू साउथ वेल्स संसद है, सिडनी हॉस्पिटल है, सिडनी हॉस्पिटल बल्कि सुपर अलर्ट पर है यहां पर, ऑस्ट्रेलिया रिजर्व बैंक है, चॉकलेट कैफे लिंट कैफे उसके ठीक आसपास है, ये सारी चीजें। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है ऑस्ट्रेलिया के लिए,